हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज की करंट अफेयर न्यूज़ और जो गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ है तो जान लेते हैं। आज है 20 जुलाई, तो पहली न्यूज़ यहां पर है जो 69,000 वैकेंसी थी सहायक अध्यापक भर्ती से रिक्त रहे 6,696 पदों पर परीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 23 जुलाई को दिया जाएगा। सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सहायक अध्यापक की इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण यहाँ पर कितने पद खाली रह गए थे, तो यहाँ पर 1,133 पद रिक्त रह गए थे। और इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणियों में भी भिन्न कारणों से पद रिक्त थे। सरकार ने ऐसे कुल 6,696 रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को वरीयता से नियुक्ति देने का निर्णय किया था। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, स्कूलों का प्रबंधन कैसा है, आंकड़े दिए गए हैं। वर्ष 2019-20 में आई एक रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में सर्वाधिक स्कूलों का प्रबंधन सरकार के हवाले है। यहाँ पर देखिए सरकारी प्रबंधन कितना है, 68.5 यहाँ पर, और सरकारी सहायता प्राप्त 22.4, और सहायता प्राप्त यहाँ पर निजी गैर सहायता प्राप्त 5.6 है यहाँ पर, और अन्य 3.5 है। तो ये आंकड़े UDISSEE ने जारी किए हैं। रिपोर्ट में स्कूलों में विभिन्न तरह की सुविधाओं का भी मूल्यांकन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। आज बेजोस करेंगे अंतरिक्ष की सैर, न्यू शेपर्ड 4 यात्रियों को लेकर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा। 10 मिनट की होगी यात्रा। अमेजॉन के मुखिया जेफ बेजोस 3 अन्य लोगों के साथ मंगलवार को अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। उनकी कंपनी ब्लू ऑरिजन का अंतरिक्षयान न्यू शेपर्ड 4 यात्रियों को लेकर पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा। 10 मिनट की यात्रा के परीक्षण को उनकी कंपनी द्वारा भविष्य में प्रस्तावित अंतरिक्ष पर्यटन के लिए निर्णायक माना जा रहा है। न्यू शेपर्ड के जेफ बेजोस के साथ उनके भाई मार्क, 82 साल की पूर्व पायलट बेली फेंक और 18 साल के ओलिवर होंगे। खास बात यह है कि बीती 11 जुलाई को ही ब्रिटेन के अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टी ने ऐसा ही सफल परीक्षण किया। वह एक प्राइवेट कंपनी द्वारा अंतरिक्ष यात्रा का पहला मौका था। अंतरिक्ष मिशन भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे भेजा जाएगा। आज 6:30 बजे ये अंतरिक्ष के लिए यात्रा होगी। अंतरिक्षयान न्यू शेपर्ड 1961 के अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड से इसे अपना नाम मिला। वे अमेरिका के अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। न्यू शेपर्ड यान के यात्रियों में कोई भी पायलट की भूमिका में नहीं होगा। इसके लिए धरती पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। यान 6 यात्रियों के अनुकूल है, लेकिन 4 ही यात्रा कर रहे हैं। इसमें बड़ी खिड़कियाँ लगाई गई हैं ताकि यात्री प्रक्षेपण और अंतरिक्ष से पृथ्वी के नज़ारे बेहतर ढंग से ले सकें। कुछ ऐसी होगी उड़ान। न्यू शेपर्ड को पश्चिमी टेक्सास से प्रक्षेपित किया जाएगा। प्रक्षेपण करीब 2 मिनट में है। आवाज़ से 3 गुनी रफ्तार हासिल कर अंतरिक्ष की ओर बढ़ेगा। प्रक्षेपण के 3 मिनट बाद बूस्टर अलग होगा। यान गुरुत्वाकर्षणहीन क्षेत्र में पहुंचेगा। यहां यात्रियों को अपनी सीट बेल्ट खोल भारहीनता का अनुभव होगा। 9 मिनट बीतने पर धरती की ओर लौट रहे यान की रफ्तार धीमी करने के लिए पैरासूट खोल दिए जाएंगे। रफ्तार 26 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी। 10वें मिनट में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 1.6 किलोमीटर प्रति घंटे की बेहद धीमी रफ्तार पर यान को प्रक्षेपण स्थल पर धीरे से उतारा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, कभी छिपकर ट्रेनिंग करने वाली मेरठ की अनुरानी 60 मीटर से ऊपर की थ्रो फेंकने वाली देश की पहली महिला एथलीट हैं। खेतों में गन्ना फेंकना बना भाला फेंक का पहला सबक। यहाँ पर इनके बारे में जान लेते हैं। 8 बार तोड़ चुकी हैं राष्ट्रीय रिकॉर्ड। टोक्यो में निगाह नई कीर्तिमान पर भाई के जूते पहनकर खेलती थी। और यहाँ पर भारतीय भाला फेंक एथलीट अनुरानी 8 बार राष्ट्रीय भारतीय रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं। पिछला रिकॉर्ड मार्च फाउंडेशन में उन्होंने तोड़ा था। मेरठ के बहादुर गाँव में की एथलीट 60 मीटर से ऊपर की थ्रो फेंकने वाली देश की पहली महिला हैं। 3 साल पहले दोहा में विश्व एथलेटिक्स के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा था। किसान परिवार में जन्मी अनु ने सोचा नहीं था कि बचपन में खेतों में गन्ना फेंकना भाला फेंक का पहला सबक होगा। शुरुआत में जब खेलों में कदम आगे बढ़ाया तो लोगों के ताने भी सुनो। शुरुआत में तो ट्रेनिंग छिप करती थी। 7 साल पहले लखनऊ में अंतर्राज्य चैंपियनशिप में जब पहली बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा तो फिर मुड़कर नहीं देखा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, DLED प्रवेश 2021 के लिए आज से पंजीकरण शुरू हो गया है। प्रदेश के सरकारी एवं निजी DLED कॉलेजों में प्रवेश के लिए 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त रखी गई है। कितनी है, 10 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है और आज से इसका आवेदन शुरू हो गया है। इसकी वेबसाइट है
updl@gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। सच्चे परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से प्रदेश के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों डाट CTE वाराणसी एवं निजी DL/EDit प्रशिक्षण संस्थानों जिन्हें NCT की ओर से मान्यता दिए जाने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से सद्बद्धता दी गई है में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के लिए 10 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन, संशोधन नहीं कर सकेंगे अभ्यर्थी। यहाँ पर कहा गया कि संशोधन अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी 11 अगस्त तक आवेदन शुल्क जमा कर सकेंगे और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूर्ण आवेदन का प्रिंटआउट लेने के लिए अंतिम तिथि 12 अगस्त रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए शिक्षक अर्थता आयु आवेदन शुल्क चयन का मानक एवं मान्य शर्तें सहित सामान्य परिचालन संबंधित तकनीकी दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। DL/EDit प्रशिक्षण 2021 ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकरण फॉर्म फाइनल सेव होने से पहले अपने ऑनलाइन प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेखों से अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पहले घोषणा करनी होगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? पॉलिटेक्निक की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 से होंगी, तैयारियां अधूरी हैं। पॉलिटेक्निक के विभिन्न पाठ्यक्रमों की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 जुलाई से प्रस्तावित हैं। कोरोना की वजह से पहली बार पेपर पैटर्न में बदलाव कर ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएंगी, लेकिन प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षाओं को संपादित कराने की तैयारी का आता पता नहीं है। परिषद ने केवल परीक्षा स्कीम जारी की है, अभी तक ना एडमिट कार्ड जारी हुआ है और ना ही कॉलेज और छात्रों को बताया है किसी तरह से परीक्षा दे सकते हैं। तैयारियां ना होने परीक्षा होने पर भी संशय बना हुआ है। परिषद के सचिव सुनील सोनकर ने बताया कि परीक्षा को लेकर फाइल शासन के पास है, निर्णय उन्हीं को लेना है। पॉलिटेक्निक की छठे सेमेस्टर की परीक्षा 22 से और दूसरे चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 26 जुलाई से प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर सभी छात्रों व कॉलेजों को पहले ही सूचित कर दिया है। परीक्षा 3 पालियों में होगी। इस बार कोरोना के चलते परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। मीराबाई कंधों पर 21 साल बाद पदक दिलाने का जिम्मा है, इनके बारे में जान लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल इस बार नया इतिहास रचने के इरादे से पहुंचा है। भारोत्तोलन से लेकर निशानेबाजी व मुक्केबाजी से लेकर पहलवानी तक कई सितारे पोडियम पर आने की काबिलियत रखते हैं। भारोत्तोलन में पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू पर निगाह लगी हुई है। पूर्व विश्व चैंपियन 14 भारोत्तोलकों में दूसरे स्थान पर हैं। क्लीन एंड जर्क में बना चुकी हैं विश्व रिकॉर्ड। 2000 सिडनी खेलों में मल्लेश्वरी ने दिलाया था पहला पदक। 2017 की विश्व चैंपियन व राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन है मीराबाई चानू। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। फ्रांस कृत्रिम हृदय की पहली व्यावसायिक बिक्री शुरू की है फ्रांस ने। फ्रांसीसी प्रोथेटिक्स निर्माता कॉर्मेट ने कहा कि उसने पहली बार अपनी कंपनी में बनाए गए कृत्रिम हृदयों में से एक को इतावली रोगों में प्रत्यारोपण के लिए बेचा है। कॉर्मेट ने कृत्रिम दिलों के लिए कंपनी की स्थापना 2008 में की थी। कॉर्मेट ने कहा कि ऑपरेशन नेपल्स में एजेंडा ओस्पेडिलेरा अस्पताल के हृदय सर्जन डॉक्टर सिरो माइलो के नेतृत्व में एक टीम करेगी। कंपनी ने दिसंबर 2020 में ब्रिज टू ट्रांसप्लांट के रूप में प्रोथेस्टिक हार्ट की बिक्री के लिए यूरोपीय सी मार्किंग हासिल की थी। इसका प्रमाणीकरण दूरगामी अध्ययन के नतीजों पर आधारित था, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद नवंबर 2019 में 11 रोगियों के नतीजों से पता चलता है कि 73% कृत्रिम अंग के साथ वे 6 माह तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। आबकारी निरीक्षकों को CM देंगे नियुक्ति पत्र। यहाँ पर चयन के 10 महीने के बाद भी नियुक्ति का इंतजार करने वाले आबकारी निरीक्षकों के लिए सुखद खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 जुलाई को अपने हाथों से इन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। यहाँ पर पत्र का ऐलान किया है और सोमवार को अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। नवनियुक्त आबकारी निरीक्षकों को 21 जुलाई को शाम 4 बजे लोकभवन लखनऊ में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र CM योगी ही जारी करेंगे। प्रदेश में 147 आबकारी निरीक्षकों का चयन सितंबर 2020 में लोक सेवा आयोग में हुआ था। जनवरी 2021 में मेडिकल और फरवरी 2021 में इनके प्रमाण पत्रों की जांच हुई थी। इसके बाद से नियुक्ति के लिए ही लोग भटक रहे थे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। आवेदन पत्र फॉरवर्ड न किया तो होगी कार्रवाई। प्रदेश भर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं प्रधानाचार्यों के ऑनलाइन स्थानांतरण के आवेदन पत्र प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को अग्रसारित फॉरवर्ड करना है। हालांकि कुछ प्रधानाचार्य और प्रबंधक आवेदन पत्र फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने सोमवार को सभी संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। साफ किया है कि प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा में स्वीकार या अस्वीकार करते हुए फॉरवर्ड करना अनिवार्य है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने जारी नारी शिक्षा की अलग जगाई थी। ये प्रयागराज के थे, इनकी पुण्यतिथि है आज। मोहल्ले के चबूतरे पर 4 छात्राओं को पढ़ाना शुरू किया था। बालकृष्ण भट्ट की प्रेरणा से स्थापित हुआ गौरी पाठशाला 1844 में 3 जून को अहियापुर मालवीय नगर में हुआ था इनका जन्म।
नेशनल न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। सीएम ने युवा कल्याण अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र, ग्रामीण विभागों को विकास में शामिल करेंगे योगी, मंत्री अपने विभागों की बजट की समीक्षा करें, योगी मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है, अफसर समस्याएं जल्द दूर करें, केशव प्रसाद ने यहाँ पर कहा है। नेशनल न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। इस बार परीक्षा को ऑनलाइन होगी निगरानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने कहा कि मुख्य परीक्षा की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के द्वारा निगरानी की जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।